तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, तो हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाऊंगा कुछ इस तरह की एडिटिंग। तो जो एडिटिंग मैं सिखाऊंगा कुछ इस तरह से, आपको दो पोज कर लेने हैं मिरर के साथ, ठीक है। और जो मैं एडिटिंग सिखाऊंगा वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल डिक्टो जैक निकम ने करी थी, उन्होंने करी है बिल्कुल कंप्यूटर से। तो उन्होंने पीसी से एडिट किया और मैंने ये सिर्फ फ़ोन से एडिट किया। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा ये कैसे करना है। तो ये एडिटिंग करने के लिए आपको दो ऐप का ज़रूरत पड़ेगी। तो एक है ऑटोडेस्क, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप प्ले स्टोर से कर लो तो अच्छी बात है, या फिर आप प्रीमियर वर्जन डाउनलोड करने के लिए गूगल साइट से कर लो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एडिटिंग करते हैं स्टार्ट इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम मॉडल के पिक को यहाँ से ऑटोडेस्क में ले जाएंगे, ओके। ऑटोडेस्क में जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा ऑटोडेस्क में फोटो ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर हम आ गए अब ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क में यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इंपोर्ट में जाएंगे। अब जो इमेज मैं लूँगा वो आप ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें से एक फेस का पार्ट उठाना है तो मैं उसको यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा, ठीक है। अब जितना पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया ये देखिए यहाँ पर एक लेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है और इस वाले फर्स्ट पे क्लिक करके इस वाले पे क्लिक कर लेना है। और मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले। तो जितना पोर्शन मुझे चाहिए होगा मैं पहले उतने ही पोर्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पोर्शन बन लेना जैसे कि हो गया। अब आपको यहाँ पर इसी पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर लेना है इसे, ठीक है। जैसे आपने कॉपी कर लिया एक प्लस पे क्लिक कीजिए यहाँ पे और इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए इसे, ठीक है। यहाँ से कर दीजिए इसे डन। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला जो है ये वाला है, इस वाले लेयर को हम हाइड कर देंगे यहाँ से ऊपर से, ठीक है। और ये वाले को हम अब पिक के ऊपर सेट कर लेंगे यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसफर क्लिक करके, ठीक है। तो अब एकदम अच्छे से आपको कर लेना है यहाँ पर। तो फ्रेंड ये आप बिल्कुल ही अच्छे से मैच हो गया है। यहाँ से हम कर लेंगे एकदम इसको क्लिक, ठीक है। जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं आपको उसको करना क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है एक्स्ट्रा सॉफ्ट में, ये वाला ब्रश पे, ठीक है। यहाँ से आपको सेटिंग रखनी है, साइज रखना है 13.2 और यहाँ से अमाउंट रख लेना आपने 32, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इरेज करते जाऊँगा तो फ्रेंड जैसे जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ आप ध्यान दे दीजिए पूरी पिक पे कैसे लग रही है। तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से अच्छे से इरेज हो जाएगी और ये पिक के साथ अच्छे से मैच हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते रहिए, जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं इरेज करने के बाद पिक कितनी अच्छे से लग रही है ये। तो आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है और इसको यहाँ से आपने इंपोर्ट में जाके सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जाके शेयर पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेना है, सेव टू डिवाइस, ठीक है। तब इसके बाद हम जाएंगे लाइट रूम में, ओके फ्रेंड। उसके बाद आपको आ जाना है लाइट रूम में। लाइट रूम में आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ से लॉक को ओपन कर लेना है और पिक को हल्का सा आपको क्रॉप कर लेना है, ओके, अपने हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इस वाले पर और क्लैरिटी आपको रख लेनी है यहाँ पर 50, ठीक है फ्रेंड। इसको हम 50 पे कर लेंगे और उसके बाद ये जो है इसको हम कर लेंगे 10 माइनस, ठीक है। उसके बाद हम विग्नेट को लेके जाएंगे 31 पे, 32 हो गया कोई बात नहीं, इतना ही चलेगा। और मेन पॉइंट को रख लेंगे हम 38, ठीक है।
जैसे कि ये हो चुका है 38 पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये ऊपर वाले इस पे जाना है और यहाँ पे एक ब्राउन कलर को, यहाँ पे सैचुरेशन को, ये देखिए ऊपर सैचुरेशन बता रहा है, उसको आपने 20 रखना है, ठीक है, ब्राउन पे कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ से कर देंगे हम इसे डन। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ पे कलर सेक्शन पे, इसको टेम्प को रख लेंगे हम 10 पे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये वाला है इसको रख लेंगे हम 51 पे, ठीक है, और जो सैचुरेशन हमारी उसको कर लेंगे हम 23 माइनस। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको इधर आ जाना है, हम इसको 12 यहाँ पे 10 माइनस कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट आपको 25% माइनस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हाइलाइट्स आपको 69 माइनस कर लेनी है, 69 आपने हाइलाइट्स माइनस कर लेनी है। उसके बाद आपको शेडो में जाना है, शेडो आपको 43 रखनी है, कितनी आपको 43, ठीक है, मैंने 43 रख ली है। उसके बाद आपको जो वाइट्स है इसको हम कर लेंगे 36 माइनस, ज़्यादा नहीं 36, ठीक है। उसके बाद ब्लैक्स को आपको रख लेना है 12। अब उसके बाद आपको आना है कलर सेटिंग पे, यहाँ पे जाके मिक्स पे, जो रेड कलर हमारा ह्यू इसका रख लेंगे माइनस में हम 14, और इसकी सेचुरेशन 6, और जो इसका ल्यूमिनस इसको कर लेंगे 46 माइनस। तो यहाँ पर मैंने 46 माइनस कर दिया इसे, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कलर्स पे, दूसरे वाले पे जो हमारा स्किन का कलर है, इसकी हम सेचुरेशन 42 माइनस कर देंगे, 43 या 42, और इसकी जो ल्यूमिनस है उसको 28 कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ग्रीन कलर पे, ग्रीन कलर के ह्यू को आपको कर देना है यहाँ से 87, ठीक है, और जो ये हमारा येलो कलर है इसकी सैचुरेशन बिल्कुल कम कर देनी है आपने, और यहाँ पे फिर से ग्रीन पे आना है, इसकी सैचुरेशन आपको बिल्कुल 20 करनी है, ठीक है, माइनस। उसके बाद ल्यूमिनस आपको 20 माइनस कर देना है, और उसके बाद आपको जाना है ऐसे यहाँ से, जैसे आपका इधर से इतना हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ से हो जाएगा डन, और ये जो हमारे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है सारे हम इसको सैचुरेशन इसके कम कर देंगे सबके, ठीक है, ये हो गया आपका डन। यहाँ से आपको आना है यहाँ पे शार्पन पे, शार्पन आपने मार देना है इसमें 20, ठीक है, और यहाँ पे नॉइज एक्शन रख लेनी है आपने 70, कलर नॉइज एक्शन रख लेनी है आपने 70, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब जो उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसको अलग से, वो भी आपको मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर हमने क्लैरिटी पहले ही डाल ली थी अच्छे से, तो अब यहाँ पे ये हो चुका हमारा पार्ट, इसको पहले पार्ट को हम सेव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइम फिर से लाइट रूम में आएंगे हम, तो अब सेकेंड टाइम हम पिक को कर लेंगे लाइट रूम में ऐड। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर फिर से जाना है, शार्पन रख देना है इस बार आपने फिर से 20, और उसके बाद आपको जाना है क्लैरिटी में, क्लैरिटी आपको रखनी है 20%, ठीक है, और इसको रख लेंगे हम 10। उसके बाद जो ये विग्नेट है इसको रख लेंगे 24 माइनस, ठीक है, और उसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको रख लेंगे हम 45 माइनस, यानी 45 पे, ज़्यादा नहीं 45, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इस पे, और उसके इस वाले को कर देना हमने 30 पे, ठीक है, और यहाँ पे जो सैचुरेशन है हम इसको 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कलर मिक्स पे, और यहाँ से इसके जो हमारा स्किन का कलर है इसको हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, इसको 40 पे कर देंगे, यहाँ पे हमने इसे 40 पे कर दिया। उसके बाद जो येलो कलर है इसके ह्यू को हम कर देंगे बिल्कुल ही
90% माइनस और इसकी सेचुरेशन हम 20 माइनस कर देंगे। तो देखते जाइए फ्रेंड कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है हमारी पिक के अंदर। यहाँ से ल्यूमिनस भी हम कम कर देंगे 66%। ठीक है, तो जैसे कि अब ये हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप अपनी पिक को देख सकते हैं कितना अच्छा आपका एडिट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो मैं इसमें दो तीन इफेक्ट दूंगा वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा ये एडिट हो चुका है। अब सारा है सिलेक्टिव टूल्स का काम। अब यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले ये वाले टूल को हम यहाँ से यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, फेस के पास, यानी ये दूसरे फेस के पास इसको कुछ इस तरीके से रख देंगे यहाँ। और यहाँ से हम शेडोज थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि वो थोड़ा पिक के साथ मैच हो जाए, और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट दे देंगे। तो अब आप देख सकते हैं बाहर के फेस से मैच हो रहा है, तो हम इसे कर देंगे यहाँ से डन। अब फिर से सेलेक्टिव टूल्स में जाएंगे, अभी इस वाले को ले लेंगे, ये वाले को टूल्स को, और ये वाला हम यहाँ पे यहाँ तक ले आएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पिक के अंदर क्लैरिटी डालनी है। ठीक है, जैसे मैं अभी बहुत सारी क्लैरिटी डाल देता हूँ, देखो फुल क्लैरिटी डाल देता हूँ, तो देख सकते हो आपको इतनी अच्छी दिख रही है। तो बट हमें थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ओवर लग रही है, तो कम से कम 50% रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से अब हमारी हो जाएगी पिक की एडिट। अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना ही अच्छा ये एडिट हुआ है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पिक नहीं फटेगी DSLR से, बिल्कुल भी। एक सेकेंड, आप देख सकते हो बिल्कुल ही कितनी अच्छे से एडिट हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ऐसे एडिटिंग सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, पूरा ही कि फ़ोन से भी आप ऐसे एडिटिंग कर सकते हो। तो प्लीज़ मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।